मैम नहीं आई अभी तक। अब अरे ये पूछिएगा बाबा अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम जी, आ रही है। देखिए थोड़ा सा डाउन अगर हो सके तो, जब तक कोई कुछ चीज पूछता समझ नहीं आती इस वाले सिस्टम में, बात थोड़ा अच्छा आती है, रिप्लाई नहीं आता। अभी पूछिए, वो स्पीकर माइक सामने है। कौन है? माइक? जी माइक वो सामने है उसके। अच्छा, आवाज आपको क्लियर है ना? आप जरा बोले। यस मैम, क्लियर है आपकी आवाज? जी मैम क्लियर है आवाज। वो पीछे से जी सुंदर से आवाज सामने। अच्छा, आप लोगों की लिस्ट आ गई है ना? फाइनल हो गई है प्रेजेंटेशन के लिए?
स्टूडेंट्स आप लोग की लिस्ट फाइनल हो गई है? जी मैम लिस्ट सेंड कर दी थी आपको। कोई स्टूडेंट रह तो नहीं गया? जी मैम। अच्छा ये बताएं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन हो ऑनलाइन हो या फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू सब अपने सबमिट करवाते हैं ग्रुप्स? मैम रिकॉर्डिंग इजी रहेगा। यस मैम रिकॉर्डिंग। ठीक है और मुझे एक बात बताएं कि जब आपका मिड टर्म एग्जाम होता है तो वो लेक्चर के दौरान होता है या उसके ऑफ होती हैं छुट्टियां होती हैं कैसे होता है? नहीं मैम लेक्चर्स होते हैं लेकिन साथ साथ मैम उसका एक सेपरेट शेड्यूल देते हैं हमें। अच्छा टाइमिंग्स बताते हैं कि कितने बजे होगा? जी मैम बिल्कुल बताते हैं सब वो एक वीक पहले ही बता देते हैं टीचर्स। यस मैम उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा जो कोई क्लास बीच में रह जाती है वो फिर नहीं लेते हैं ना तो बाकी क्लासेस होती हैं। जी मैम मिड की वजह से फिर हम वो क्लास छोड़ देते हैं बता देते हैं उन टीचर को कि हमारा आज मिड है तो इतना इशू नहीं होता। और टाइमिंग्स बताया होते हैं हर किसी के मुख्तलिफ वो हैं कि जितना मर्जी टीनियर का पेपर दें या एक फिक्स टाइम होता है कि इतने घंटे का देना है? यस मैम मैम एक टाइम पीरियड मैम बताती है कि इतने टाइम का होगा इस डेट को और इस टाइम पे एग्जाम होता है ऐसे डेट शीट बनी होती है। अच्छा आप लोग के जो पहले हुए वो क्या एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे? जी मैम मिड तो सिर्फ एमसीक्यूज ही होते हैं मिड में सिर्फ एमसीक्यू होते हैं बस। जी मैम फाइनल में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। यस मैम मोस्टली एमसीक्यूज ही होते हैं मिड। अच्छा अच्छा आज जो डायबिटीज मेलिटस ये मैम वो कितना बिग नेम मैम वो कहना था कि एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलो बोलो मैम वो कहना था कि वो ग्रुप 11 में ऐड कर दें वो मैं प्रेजेंटेशन ग्रुप में वो ऐड नहीं था तो वो ग्रुप बन गए थे तो मैम 11 ग्रुप में मैम 4 पार्टिसिपेंट तो वो मुझे ऐड कर दीजिएगा मैम अनवार रफीक को। अब अपना ना मुझे मैसेज कर दो नाम वगैरह व्हाट्सएप कर दो तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है चलिए ठीक है मैम मैं वो ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। क्लास कैंपस में ले रही हैं? जी आप ये क्लास कैंपस में ले रही हैं जो ये प्रेजेंटेशन है? नहीं नहीं ये क्लास ले रही हैं अभी अभी वाली कैंपस में। क्या मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हो आप? मैंने आपसे कहा है कि ये जो अभी जो अभी क्लास ये जो अभी क्लास ले रही हैं क्लास हो रही है कैंपस के अंदर हो रही है। आप कैंपस में हो? मैं आया था मुझे उसने कहा है कि आप चली गई हैं आप। अच्छा आप लोगों से कितने स्टूडेंट्स हैं जो वैक्सीनेटेड हैं? मैम वन डोज मैम मेरे डोज दोनों कंप्लीट है मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। मैम हमारी सिर्फ एक ही डोज है अभी। Yes, बाकियों की भी क्लास हो रही है मैम आज से हो रही है तो उन्होंने मुझे मैसेज करा था कि जिनकी फर्स्ट एक डोज भी है वैक्सीनेट एक डोज है वो आ सकते हैं कैंपस में अपनी क्लास ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लो ये ना हो कि आप लोग आओ और वो लेने ना दें। ठीक है मैम ये हमने भी सुना था कि वो ले सकते हैं तो हम इन फिर नेक्स्ट क्लास से हम ले लिया करेंगे मैम ऑन कैंपस। ले लें आप लोग ले लें ऑनलाइन के फेस टू फेस जिन्होंने जिनकी नहीं है वैक्सीनेशन वो जल्दी करवा लें वो ऑनलाइन ले लें। जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आ रहे थे और लेक्चर हॉल ज्यादा खाली थे तो मैं नीचे बेसमेंट में आकर वहाँ लेक्चर ले रही थी लेकिन अब उन्होंने स्केड्यूल दिया है कि अपने अपने उसके अकॉर्डिंगली लेंगे क्लास के अकॉर्डिंग जो लेक्चर हॉल लिखा हुआ है। अच्छा डायबिटीज मेलिटस जो है इसके बेसिकली आपको पता होना चाहिए टाइप 1 टाइप 2 के डिफरेंसेस क्या है और हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स उनका मोड ऑफ एक्शन और तीसरी चीज आपको इंसुलिन इंसुलिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग होती है तो डिफरेंट तरह की इंसुलिन होती हैं। डायबिटीज सब बहुत कॉमन है और डायबिटीज की वजह से डेथ रेट भी काफ़ी है वर्ल्ड वाइडली जो है डायबिटीज
अब तो जो है टाइप, पहले कहते थे टाइप टू डायबिटीज जो है वो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है, लेकिन अब टाइप वन डायबिटीज जो यंग लोगों में हो जाती है तो वो ज्यादातर उसका कॉज ये डाइट कंट्रोल नहीं है, फास्ट फूड वगैरह लेना ये, और ऐसी जितनी लग्जेरियस आप लाइफ बना लिए लोगों ने उसी लिहाज से जो है वो डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटस क्रॉनिक सिस्टेमिक डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक एंड वैस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज, डिसऑर्डर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट प्रोडक्शन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंसुलिन, या तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, या इंसुलिन जो है उसकी इतनी ज्यादा जो है इंसुलिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही। होता यह कि हमारे जो क्लास दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप वन डायबिटीज और एक टाइप टू डायबिटीज, जिसमें हम क्लासीफाई कर लेते हैं। टाइप वन वो होती है जो यंग एज में होती है और जिसमें फैमिली हिस्ट्री जरूरी नहीं होता, जेनेटिक फैमिली नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर पैंक्रियाज होते हैं, बीटा सेल्स, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, तो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही डिफेक्टिव हो जाता है और वो खुद ऑटो एंटीबॉडीज बना देते हैं पैंक्रियाज के अगेंस्ट अपने, जो जहां पर उसकी वजह से क्या होता है कि पैंक्रियाज जो होते हैं वो सही तरह इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टाइप वन में, टाइप वन में इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, और टाइप टू के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसको वो टिश्यूज के अंदर जाकर यूटिलाइज नहीं कर रही। ग्लूकोज वहीं पड़ा हुआ है, सेल्स में नहीं जा रहा। तो ये टाइप टू डायबिटीज है। टाइप डायबिटीज जो है उसमें ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा ब्लड के ब्लड में और यूरिन दोनों में आ जाती है जो ग्लूकोज होता है, जो आपकी किडनीज है वो फिल्टर नहीं कर पा रही होती, ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आ रहा होता है, सही तरह उसको फिल्टर करके एब्जॉर्प्शन उसकी जो है हो जाती है। कैरेक्टराइज बाय ग्लाइकोसूरिया और हाइपरग्लाइसीमिया, टू फॉर्म्स टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन जो है पेशेंट जो है वो इंसुलिन एक्रीट कर रहा, ऑटो इम्यून डिजीज है, और टाइप टू के अंदर इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन क्या हो रहा है कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज की सही तरह उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रही। जब जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तब तब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है ताकि ग्लूकोज जो है ब्लड में से ले उसको टिश्यूज में लेकर जाए। ये टाइप वन और टाइप टू के डिफरेंसेस हैं। टाइप वन जो है वो इतनी कॉमन नहीं, लेकिन अब जो है टाइप वन भी काफी हद तक कॉमन हो गया, और लेस देन 35 ईयर्स एज में जो होती है टाइप वन होती है। एब्रप्ट और सिवियर ऑनसेट होता है, जबकि जो टाइप टू होती है वो उसमें मेन रीजन जो होती है वो ओबेसिटी भी हो सकती है टाइप टू के अंदर। टाइप टू में एज जो है 40 प्लस होती है, ज्यादातर 35-40 मिड एज में होती है, और बंदा ओबेस भी हो सकता है, नॉन ओबेस भी हो सकता है। इसमें जो है एच एल ए एसोसिएशन नहीं है, यहाँ पर जो है एच एल ए एसोसिएशन है, एच एल ए डी आर 3 डी आर 4 ये वो जो है ये जेनेटिकली बताया हुआ है, वो जो एम एच सी होती है। आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा कुछ इम्यूनोलॉजी? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है, लेकिन नहीं पढ़ाई है। अच्छा yes, ये होती है कुछ एम एच सी, एक वो होता है हमारे सेल्स के ऊपर होता है जो कि प्रेजेंट करता है जब कोई एंटीबॉडी आ जाए तो बाकी बॉडी को इम्यून सिस्टम को दिखाता है कि ये चीज आ गई है। ठीक है, उस जो एम एच सी होता है उसको एच एल ए भी कहते हैं, तो उसके ऊपर भी जीन्स होती हैं, तो ये उसका बात हो रही है। ठीक है, इनके अंदर जो है ये जीन्स के साथ एसोसिएटेड है ये वाली जो है टाइप वन डायबिटीज। ठीक है, उनके ये डिफेक्टिव हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री इसमें कम होती है, ज्यादातर इसके अंदर जो होता है वजह यही होती है कि इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। डायबिटीज इन आइडेंटिकल ट्विंस 50% को कोऑर्डिनेंस 80%, यहाँ पर 80% चांसेस होते हैं कि टाइप टू डायबिटीज होगी अगर ट्विंस हैं। पैथोजेनेसिस ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, बीटा सेल्स खुद ही हेल्दी बीटा सेल्स है लेकिन बॉडी ने खुद ही उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है,
जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं। पैंक्रियास जो है वो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करते हैं। एक्सोक्राइन में वो एचएलए क्या है जी? एचएलए ये क्या वो होता है, जीन्स होती हैं, जैसे इसको एमएचसी भी कहते हैं, ठीक है। ये एचएलए जो है ना, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे होते हैं, जो कि जब कोई फॉरेन बॉडी जाए तो उनको प्रेजेंट करते हैं। ये जो एचएलए होते हैं ना, इनके ऊपर जीन्स होती हैं, DR3, DR4, DR2, DR1, तो ये सारा ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ये डिफेक्टिव हो जाती है उनमें, ये इनकी वजह से ये जो है टाइप 1 डायबिटीज होती है। और इसके अंदर ये होता है कि जब वो एचएलए के अंदर डिफेक्ट होता है तो वो तो पैंक्रियास को शो कर रहा होता है कि कोई फॉरेन चीज आ गई है, तो अब वही ऑटो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। तो ये एचएलए DR3 और DR4 के साथ इसकी एसोसिएशन है। ये पूरा एक एमएचसी का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। एमएचसी वो चीज है सेल के ऊपर जो बताती है कि अगर जब हम जैसे ट्रांसप्लांट वगैरह में आगे पढ़ेंगे, जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो बॉडी खुद ही शो करती है कि ये चीज मेरी नहीं है, और उसके अगेंस्ट फिर बॉडी जो होती है वो रिएक्ट करती है। समझ आ रही है आप लोगों को कुछ? यस मैम। इसमें ये होता है कि जी मैम आ रही हूं, इसका ज्यादा एचएलए जो है ना, एचएलए टाइपिंग भी होती है। इसका असल में ज्यादातर रोल होता है जब आप ट्रांसप्लांट करते हो। अभी क्योंकि इम्यून सिस्टम खराब हो चुका होता है टाइप 1 डायबिटीज में, वो खुद ही इम्यून सिस्टम अपने ही शो कर रहा होता है पैंक्रियास को कि उसकी अगेंस्ट कोई फॉरेन चीज समझ रहा होता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा होता है। तो एचएलए जो होता है ये इसके साथ टाइप 1 डायबिटीज की एसोसिएशन है। फैमिली हिस्ट्री इसमें इतना फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, उसके अलावा बस इसमें एंटीबॉडीज बन जाती है। ऐसी एंटीबॉडीज को ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं, यानी बॉडी ने खुद ही अपने किसी ऑर्गन, हेल्दी ऑर्गन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली, तो टाइप 1 डायबिटीज इस वजह से होती है। ब्लड इंसुलिन लेवल, इंसुलिन कम होती है इनके अंदर। पैंक्रियास जो होते हैं वो इतने डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं कि इंसुलिन उसके अंदर कम होती है। पैंक्रियास में अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं। बीटा जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। उसके अलावा जो है इसके अंदर क्लिनिकल मैनेजमेंट, इंसुलिन जो है वो बाहर से दी जाती है टाइप 1 में। टाइप 2 में हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी दी जाती हैं ओरली, और दूसरा इंसुलिन दी जाती है और डाइट मैनेजमेंट की जाती है। अगर आप इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दोनों देते हैं पेशेंट को जो टाइप 2 में है, तो इंसुलिन की डोज जो है वो कम हो जाती है, यानी इंसुलिन की जो बाहर से लगती है उसकी यूनिट्स कम लग जाते हैं, क्योंकि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी ले रहे हैं। और हमेशा कितने यूनिट्स लगाने हैं, कितनी डोज देनी है पेशेंट को, वो डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, कितनी डायबिटीज आ रही है। इंसुलिन मुख्तलिफ तरह की बहुत सारे आ चुकी हैं अब तो ये उस पर डिपेंड करता है कि जो है कौन सी इंसुलिन देनी है। और अगर जरूरी नहीं कि एक पेशेंट है उसको अगर एक इंसुलिन जो है मिक्स्ड ज्यादातर दे देते हैं, या मिक्स्ड में वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंसुलिन होती है, बहुत सारी इंसुलिन की जैसे टाइप्स हैं तो उनको मिक्स करके दिया जाता है मिक्सचर। तो ये जरूरी नहीं होता कि अगर एक इंसुलिन एक पेशेंट पर इफेक्टिव हो गया तो दूसरे के लिए भी वही हो। फिर स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट ज्यादातर यूज करते हैं कि सुबह शाम दें, लेकिन ये भी जरूरी नहीं होता। कुछ पेशेंट्स सिर्फ सुबह में इंसुलिन ले लेते हैं, शाम में नहीं लेते, तो ये वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। HLA जो है ये एब्रीवेशन है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसको एंटीजन इसलिए लिखते हैं कि इसको इसके ऊपर एक आप सोच ले समझ ले जैसे एक रिसेप्टर टाइप चीज है जिसको वो एंटीजन, उसी का इसका नाम है एंटीजन। ये है तो सेल का अपना एंटीजन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एंटीजन को, जो बॉडी के अंदर जो भी चीज जाएगी फॉरन उसको, बाहर की जो भी चीज जाएगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए इस ये मैं अगली दफा आपको स्लाइड में दिखा भी दूंगी। HLA कहते हैं स्ट्रक्चर को, छोटे से स्ट्रक्चर को जो व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर डिफरेंट जीन्स होती हैं उस HLA के ऊपर। उन HLA की जीन्स की वजह से जो है ये टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसकी एसोसिएशन इनके साथ जाकर मिलती है। ये HLA जो है ये फिर आगे क्लासिफाई करते हैं DR3, DR4 इसके अंदर। ये शायद आपको वो ट्रांसप्लांट वाले उसमें शायद दिया भी हो, एक लेक्चर था ट्रांसप्लांट का भी आगे। ये बेसिकली इस यहाँ तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए
कि दोनों का आंसर डिफरेंट होता है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, दोनों का कॉज डिफरेंट होता है बस। फिर सिम्टम्स आ गए हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज। अब इसमें देखिए ये पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया है। हंगर ज्यादा बढ़ जाती है, प्यास ज्यादा लगती है और वो रात को ये जो साइन होता है उसका बेसिक, कि वो रात को उठ के जो है वो वॉशरूम जा रहा होता है। तो ये जो है पोलीयूरिया, बार बार वॉशरूम जा रहा होता है। ग्लाइकोसूरिया, ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया और ग्लाइकोसूरिया जो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है ग्लूकोज। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है वो पहले रिकमेंडेड था 60 से 100 होना चाहिए, अब 110 तक होता है, लेकिन अगर 110 से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है वो बॉर्डर लाइन पर आ गया। और मैनिफेस्टेटेड बाय वेट लॉस, जब डायबिटीज, शुरू में तो ओबेसिटी होती है लेकिन ज्यादातर जब डायबिटिक हो जाए तो फिर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वीकनेस, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, वो ज्यादा क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जो डायबिटिक पेशेंट होता है, उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो वो क्या है उनको ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के। कॉम्प्लिकेशन होता है कि नेफ्रोपैथी हो जाती है, बार बार जो है किडनीज पर इसका असर होता है, रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है, ग्लाइकोमा जो इंट्राओक्युलर प्रेशर जो होता है, आई का प्रेशर फ्लूड होता है आई के अंदर वो बढ़ जाता है, ग्लाइकोमा होता है। उसके अलावा न्यूरोपैथीज हो जाती है। आप उनको इसका एक प्रैक्टिकल भी करते हैं, हैमर एक होता है शायद आप लोगों ने देखो कि डॉक्टर्स के पास होता है, वो उसके रिस्पॉन्स चेक करने के लिए उसके ऊपर मारते हैं, तो अगर न्यूरोपैथीज हुई है तो उसको वो जर्की मूवमेंट्स नहीं होगी, नी के ऊपर मार के देखते हैं तो नी के ऊपर टेंडन होता है वो हिलता है, लेकिन अगर न्यूरोपैथीज हुई है तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और न्यूरोपैथीज इस तरह होती है कि पेशेंट जो होता है अक्सर ये होता है डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो हीटर के सामने बैठ जाता है, उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि मुझे हॉट फील हो रहा है, तो वो फिर ये इतनी ज्यादा जिनको न्यूरोपैथीज होती है उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, उनको सेंसेशंस भी फील होती, उनको हाथ वगैरह लगाओ तो उनको फीलिंग नहीं आती। तो न्यूरोपैथीज, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथीज ये मोस्ट कॉमन है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी हो जाती है, उनकी लिपिड प्रोफाइल वगैरह खराब हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो बैक्टीरिमिया, टॉक्सिन का इंक्रीज इंसिडेंस और टॉक्सिमिया, ब्लड में टॉक्सिन वगैरह किसी भी बैक्टीरिया का आ जाता है। कोई क्वेश्चन अभी तक? नो क्वेश्चन मैम, आसान था। इसलिए जब एचएलए टाइपिंग का हमने पूछा एचएलए का, तो इसलिए जब हम ये जब कोई ट्रांसप्लांट करते हैं तो एचएलए टाइपिंग एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम देखते हैं उस डोनर के और उस रेसिपिएंट, जिसने दिया होता है कोई ऑर्गन और जिसने लिया होता है, दोनों के मिक्स करते हैं ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स, और फिर उनका रिस्पांस मिक्स करके उन दोनों का रिस्पॉन्स देखते हैं कि वो एक दूसरे से कितने ज्यादा रिस्पॉन्स अगर ज्यादा शो करते हैं वो अगेंस्ट ईच अदर, तो इसका मतलब है वो अच्छा डोनर नहीं है। तो ये HLA टाइपिंग वो ही जो छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब ये HLA itself है, जीन्स है, और मतलब कि एंटीजन है itself। हाँ, HLA जो है वो एक इसको इसका नाम MHC भी है और इसको HLA भी कहते हैं, सेम होता है। मतलब ये एंटीजन होते कहाँ पर जी? ये HLA के जो होते हैं ना एंटीजन, ये कहाँ पर होते हैं बॉडी में? ये ल्यूकोसाइट जो हमारे ब्लड के अंदर WBCs होते हैं ना उनके ऊपर होता है। मैक्रोफेजिस नाम सुने? जी जी। मैक्रोफेजिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, कोई भी एंटीजन रहेगा मैक्रोफेज उसको फौरन डिटेक्ट कर लेता है। या डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, ये दोनों वो सेल्स हैं जो कि फौरन पेश करते हैं बॉडी को के लिए, ये प्रेजेंट करते हैं कि ये एंटीजन आ गया, उनके ऊपर होता है MHC। MHC 1 और MHC 2 टाइप्स होती है इसकी, इसको MHC भी कहते हैं, HLA भी कहते हैं। हर चीज को जीन्स ने कवर किया हुआ है, तो जीन्स जो होंगी उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी है उन्होंने, DR1, DR2, DR3, PQR होती हैं, ABC और PQR। ये बहुत बड़ा एक इम्यूनोलॉजी में एक लेक्चर होता है इस पर, तो ये बात आप लोग के लिए जरूरी नहीं है ये, क्योंकि समझ जाए तो बहुत आप पीछे से बेसिक अगर इसका कॉन्सेप्ट हो। वैसे मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगी इसकी नेक्स्ट लेक्चर में अभी। तो इनकी एसोसिएशन होती है, डिफेक्टिव हो जाती हैं, तो इस वजह से जो है वो टाइप 1 डायबिटीज
इनकी वजह से भी कॉज टाइप 1 डायबिटीज होती है. Insulin is a protein made of two chains of alpha and beta. It is secreted by beta cells of the islets of Langerhans of pancreas. Pancreas ki jo hai wo iske liver, muscle, fat cells are primary tissue for insulin action. Yahan glucose jata hai inme liver, muscles and fat cells. Agar insulin ki wajah se jata hai, insulin help out karta hai glucose ko ke jaakar aage ek tasveer hai usme. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ग्लूकोज जाकर बाइंड कर देता है और इंसुलिन जो है वो उसको कहते हैं कि अब इसको ग्लूकोज को लिवर में जाना चाहिए, मसल्स में, फैट सेल्स में. और इसके अलावा ब्रेन वगैरह उनको भी ग्लूकोज की जरूरत है, हर ऑर्गन को ग्लूकोज की जरूरत है. ब्रेन के अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, कोई ऐसा सिंथेटिक नहीं है कि वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता ग्लूकोज को. तो ये चीजें हर हमेशा चाहिए होती हैं ग्लूकोज. तो अगर इंसुलिन नहीं होगी तो क्या होगा कि लिवर के अंदर से, मसल्स के अंदर से मसल ब्रेक डाउन हो जाएगा. फैट सेल जिनको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, फैट सेल्स की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, उनके अंदर से फैट्स निकलना शुरू होगा. फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बनता है, जो वो सारा आपका निकलना शुरू हो जाता है. ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स, ये पढ़ा इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, फ्री फैटी एसिड्स वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो मसल्स जो है उसके अंदर से प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, फैट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए. अब ग्लूकोज तो ब्लड में है लेकिन ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रही, टिश्यूज में जाकर वो इस्तेमाल नहीं हो रही, ऑर्गन्स यूज नहीं कर पा रहे. तो जो जहां पर वो अब जो फैट वगैरह थे, जो प्रोटीन्स थी, वो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगी, फैट्स फ्री फैटी एसिड्स बना देंगे और फिर वो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे बॉडी को. इसलिए वो बंदा जिसको होता है उसके मसल ब्रेक डाउन हो जाती है, लीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है. विद इंसुलिन रिसेप्टर बाइंडिंग, जब इंसुलिन करेगी, सेल मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल टू ग्लूकोज इनटू द सेल्स. इंक्रीज इंसुलिन जो इंक्रीज करती है सेल परमेबिलिटी फॉर अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे वो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन्स और फैट्स बनाती है. तो जब इंसुलिन नहीं होगी तो प्रोटीन्स और फैट्स का ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को फिर भी जो एनर्जी चाहिए और ये जो अमीनो एसिड्स वगैरह ये ब्रेक करके ये फिर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द लिवर. सबसे फर्स्ट ऑर्गन ये लिवर है जिसमें जो ट्रांसपोर्ट जाता है. स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज, हार्ट एंड इवन यूट्रस, सारी जगह ग्लूकोज दे रहा है. May be present for muscle and fat tissue to use glucose for energy. Insulin regulates glucose metabolism to produce energy for cellular function. Cell jitne bhi functions hain unko karne ke liye jo hai wo energy chahiye, jo ki insulin ki wajah se glucose de raha hai. Insulin promote glucose into fat cells where it is broken down. One of broken down product is glycophosphate combines with fatty acids which ultimately form triglycerides. ये triglycerides वगैरह बन रहे हैं सेल्स में. This is the mechanism by which insulin promotes fat storage. Fat storage. अब insulin नहीं होगी तो जो storage है हमारे protein के, fats के, वो सब खत्म होते जाएंगे. ये जो abdomen के lower abdomen नीचे की तरफ जो fat deposits होता है वो खत्म हो जाता है. फिर जो आपके मसल्स बाजों वगैरह में फैट होता है वो सब खत्म होना शुरू हो जाता है अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही. व्हेन इंसुलिन इज लैकिंग, फैट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एज फ्री फैटी एसिड्स. ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड. अब जो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है पेशेंट्स का, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा. Insulin increases the total amount of body protein by increasing transport of amino acids into the cells and synthesizes वो बात कि protein synthesis करती है. Insulin potentiates the effect of growth hormone. Growth hormone के ऊपर भी इसका effect है insulin का. Lack of insulin वो amino acids में breakdown कर देगा protein को, और फिर ये amino acids जाकर ये कोशिश करेंगे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को किसी तरह पूरी करें, क्योंकि ग्लूकोज अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, वो यूज नहीं हो रहा. अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स वगैरह ये जो है ये जाकर टिश्यूज के अंदर रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी करेंगे. फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंसुलिन सिक्रीशन, ये तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है. हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाए बॉडी की,
हाइपोथर्मिया जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एडिनर्जिक टू रिसेप्टर्स, ये जब रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये सब इंसुलिन पर इफेक्ट डालेंगे और इंसुलिन को इनहिबिट करेंगे. ग्लूकोज जब जब ज्यादा होगा इंसुलिन चाहिए होगी ताकि ग्लूकोज के लेवल्स को ब्लड में कम करे. ग्लूकोज इज द मेजर स्टिमुलस ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन. ओरल ग्लूकोज इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रावीनस ग्लूकोज. इसके बरक्स अगर हम ओरल इंसुलिन नहीं देते, कोई रीजन बताएगा ओरल इंसुलिन क्यों नहीं दे सकते? मैम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है बेसिकली जो हम सिंथेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं. अगर हम ओरली दे देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो इंजाइम्स होंगे वो इनको ब्रेक डाउन कर देंगे. प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स जो होते हैं जीआईटी के, इंसुलिन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी. इसलिए इंसुलिन कभी भी ओरली नहीं देते, हमेशा इंट्रावीनसली देते हैं एमरजेंसी सिचुएशंस में, और यूजुअली हम सबक्यूटेनियसली देते हैं. जब कभी पेट के ऊपर देते हैं या एब्डोमेन, बहुत सारे लोग पेट के थोड़ा सा एम्ब्लाइकस से नीचे लगाते हैं इंसुलिन. अच्छा, ग्लूकोज इज द मेजर स्टिमुलस ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन. ओरल ग्लूकोज इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रावीनस ग्लूकोज. ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज इन डाइजेस्टिव ट्रैक इंक्रीज द रिलीज ऑफ गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, काइलोसिस्टोकाइंस एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड्स. ऑल्सो स्टिमुलेट्स वेगल एक्टिविटी. ये ग्लूकोज का है. ग्लूकोज जो होगा उसके अदर इफेक्ट क्या है? कॉर्टिसोल, ग्लाइकोजन, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रीन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब ग्लूकोज जो है इसको इंक्रीज कर रहे हैं. कॉर्टिसोल आपने पढ़ा था ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज करता है, और उसके अलावा प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये एस्ट्रोजन से लेवल ज्यादा हो जाते हैं हार्मोन्स, तो प्रोजेस्टेरोन वगैरह जब ज्यादा हो जाएंगे तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा. और प्रेग्नेंट वुमेन अगर डायबिटिक है तो उस पर फौरन इंसुलिन इंजेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन की डिमांड जो है उसकी बॉडी ज्यादा हो जाती है, उसमें बॉडी ज्यादा चाहती है कि इंसुलिन दी जाए क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है. जो प्रेग्नेंट लोग होती हैं औरतें उनमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स नहीं दे सकते हैं उनके अंदर जो है, या ये नहीं दे सकते कि कुछ ओरली देते हैं शुरू कर दें, उनको इंसुलिन इंजेक्ट फौरन करनी चाहिए. ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ऑल दो इंसुलिन वगैरह को बढ़ाएंगी, लेकिन उनकी क्योंकि बॉडी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी की वजह से ज्यादा हो जाती है, डिमांड ज्यादा होती है कि इंसुलिन ज्यादा दे ग्लूकोज को ब्लड के अंदर उसका लेवल कम करने के लिए, तो इस वजह से फौरन इंजेक्ट करनी चाहिए इंसुलिन. ये एक बहुत क्वेश्चन होता है अक्सर कि इंसुलिन प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्यों रिकमेंड करते हैं, तो इसलिए रिकमेंड करते हैं. टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इम्यून सिस्टम इटसेल्फ डिस्ट्रॉयड्स ऑन हेल्दी पैंक्रियास बाय प्रोड्यूसिंग ऑटो एंटीबॉडीज, दस पैंक्रियास स्टॉप प्रोड्यूसिंग सफिशियंट इंसुलिन. बहुत थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस कर रहा होगा, या फिर इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, डेफिशिएंट होगी, बहुत ही कम. अच्छा, इनसफिशिएंट इंसुलिन. अब ये देखें इंसुलिन, यहाँ से ये इंसुलिन ट्राइंगल्स जो बने हुए खत्म हो रही है, अपने रिसेप्टर के साथ खाली रह जाएंगे रिसेप्टर्स, और इसकी वजह से जो सिग्नल दे रहा था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को कि ग्लूकोज बाइंड करे और डिफरेंट सेल्स में जाए, वो भी फिर नहीं दे पा रहा. टाइप 1 बच्चों में होगी हाईली, और ये डिहाइड्रेशन कर देती है बहुत ज्यादा. रोटेशन ऑफ साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इंजेक्ट करेंगे इंसुलिन तो एक ही जगह इंसुलिन और एक ही सिरिंज से हमेशा नहीं लगानी, उसको चेंज करता रहना चाहिए सिरिंज को भी और रोटेशन ऑफ द साइट को भी, क्योंकि फिर से लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है. जो लिपिड जो एक जगह या तो बहुत ज्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं, तो रोटेशन होनी चाहिए, मुख्तलिफ जगह पे लगानी चाहिए. अगर आप एब्डोमेन में दे रहे हैं तो आप फिर मुख्तलिफ एक ही साइड नहीं रखनी कि उसमें बस राइट साइड पर देनी है इस जगह. अवॉइडिंग हाइपोग्लाइसीमिया इज अ मेजर गोल इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, डैमेजिंग इफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बहुत रोज को देख कर लगाना, ये नहीं कि इंसुलिन इतनी ज्यादा लगा दी है कि ग्लूकोज लेवल्स बहुत ही कम होंगे. ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स है, हंगर, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, इरिटेबिलिटी, लिथार्जी. स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, डिहाइड्रेशन से पता चलता है कि ये कुछ मसला है. डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक इमरजेंसी सिचुएशन है, यूजली टाइप 1 डायबिटीज में होती है.
और इसमें क्या होता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स विद द इंसुलिन डेफिशिएंसी। मैम एक बात बताएं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये टाइप 1 डायबिटीज जी। मैम जिस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है, तो हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? आपके लिपिड प्रोफाइल भी तो खराब हो रहे हैं उसकी वजह से। सिम्टम्स में लिखा हुआ साइंस एंड सिम्टम्स, टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है शायद मेरे ख्याल में, उसकी वजह से ये भी होता है कि बॉडी को ज्यादा जो है वो वर्कआउट करना पड़ रहा है उसकी वजह से उसका। नहीं तो मैम वर्कआउट तो होगा नहीं ना, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बहुत कम है, तो वर्क तो होगा नहीं ना, लेथार्जी हो रही है तो हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है? फैटिंग भी हो रही है, लेथार्जी भी हो रही है, हंगर भी इंक्रीज हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, कंफ्यूजन कन्वर्जन वो भी होती है इसके अंदर, तो शायद इस वजह से टैकीकार्डिया हो रहा है। मैं सर्च करके फिर आपको क्लियरली बताऊंगी कि क्यों हो रहा है। चलिए ठीक है मैम। ठीक है कि वैसे अच्छा कि टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है इसके अंदर, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है इसमें। अच्छा अच्छा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे फैटी एसिड्स बन जाते हैं तो फैटी एसिड्स फिर उसके बाद कीटोन बॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, फर्दर उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है ये और ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ग्लूकोज कैन नॉट बी यूज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी, सो फैट इज मेटाबोलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। अब इंसुलिन तो थी नहीं तो फैट जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, मेटाबोलाइज फैट इज देन एक्सट्रैक्टेड बाय लिवर एंड ब्रोकन डाउन इनटू ग्लाइसरोल्स एंड फैटी एसिड्स। फैट जो है उसकी ब्रेक डाउन हुई और फिर ये जो फैटी एसिड्स रिलीज होंगे ये कीटोन्स बनाना शुरू करेंगे, कीटोन बॉडीज। ठीक है अच्छा, accumulation of ketones result in acidemia, ketone bodies जो है ये acidemia कर देगी, lactic acid वगैरह ज्यादा कर देगी blood के अंदर। Attempts to buffer acidic hydrogen ions occur by ionic exchange, intracellular potassium exits cells, जो intracellular होगा जो intracellularly potassium जो है वो मूव आउट कर जाएगी, ठीक है, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब जब वो यूरिन के अंदर जाएगी किडनीज क्या करेंगी कि कीटोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी इसके अंदर, पोटेशियम आउट जा रहा है उस एक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए इसने जो है वो किडनीज ने कोशिश किया कि कीटोन्स प्रोड्यूस हो जाए। अब जब कीटोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे तो ये भी यूरिन में जाना शुरू हो जाएंगे कीटोन बॉडीज। पल्मोनरी अटेम्प्ट टू बफर बाय कॉस्मॉल ब्रीथिंग, कॉस्मॉल ब्रीथिंग होती है कि जब आपका जो लंग्स हैं वो हाइपर वेंटिलेशन शुरू कर देते हैं, ज्यादा जो है वो ब्रीथिंग शुरू हो जाती है, ज्यादा लोबर ब्रीथिंग, ज्यादा तेज ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हैं, कॉस्मॉल ब्रीथिंग कहेंगे इसको, ये इसका मेजर साइन एंड सिम्टम है। उसके अलावा नोजिया, थ्रस्ट, पोलीडिप्सिया, पोली टैकीकार्डिया, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, हाइपोटेंशन, शॉक एंड पोलीयूरिया। अच्छा फिर टाइप 2 डायबिटीज आ गया, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर एंड डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन लिवर मसल एंड फैट सेल्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर, किसी भी एज में हो सकती है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, लेस सीवियर सिम्टम्स इनिशियली, easier to control, stroke can occur, multifactorial reasons जो होती है इसमें बहुत सारी, environmental factors, stress वगैरह भी हो सकती है, genetical factors भी हो सकते हैं। Occurs in type 2 diabetes, hyper or smaller hyperglycemia, non-ketonic coma. इसमें जो होगा कीटोन बॉडीज नहीं प्रोड्यूस होंगी, लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा
इमरजेंसी होती है, ऑल्दो ये कम होती है लेकिन ये ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में होता है, जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस था वो टाइप 1 में था और ये टाइप 2 के अंदर है। इसमें ये होता है कि जो है आपका जो शुगर लेवल है वो 800 से 1000 से ज्यादा हो जाता है, बिकॉज पेशेंट हैज सम एंडोजीनियस इंसुलिन, कीटो एसिडोसिस वाली कोई चीज नहीं होती है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूसर है। हाइपोवोलेमिक शॉक, रेनल प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कोमा एंड इवन डेथ हो सकती है, कोमा में जाता है बंदा। इट्स ट्रीटमेंट इज सेम एज दैट ऑफ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स comprised of a set of risk factors which include central abdominal adiposity. अच्छा, शुरू में क्या होता है कि अगर obesity होती है, type 2 diabetes, इसमें क्या होता है कि patient पहले जो होता है obese होता है, जो waist होती है उस पर जो है वो ज्यादा abdominal adiposity हो जाती है, ज्यादा वहां से जिसको कहते हैं fats आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी वेस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो वो ठीक नहीं होंगे, उसमें HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होगा और LDL जो होगा वो ज्यादा होगा, VLDL ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो हाई हो जाएंगे, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होती है वो कम हो जाएगी, जो अच्छी चीज है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वो इसमें कम होगी। तो अगर इनके CBC वगैरह करवा लें, लिपिड प्रोफाइल करवा लें, तो उसमें जो है वो लिपिड प्रोफाइल भी ठीक नहीं होगा इनका, और इनकी जो है वो जो फैट वगैरह वेस्ट वगैरह ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर राइज कर जाएगा, और उसकी वजह से ग्लूकोज जो होगी वो फास्टिंग अगर आप देखेंगे, वैसे तो 126 के बाद लिखा हुआ है कि वो डायबिटिक कंसिडर किया जाता है, लेकिन फास्ट जो फास्टिंग ग्लूकोज हमारे यहाँ पर ज्यादातर फास्टिंग रिलायबल सोर्स है जिससे हमें पता चलता है। एक तो आप देखते हैं ना शुगर लेवल, जब कोई चीज खाने के बाद वो इतना रिलायबल नहीं है जितना फास्टिंग पर रिलाय करते हैं। तो फास्टिंग ग्लूकोज अगर 110 तक आ या उससे थोड़ा सा आगे पीछे है, इसका मतलब है कि आपको जो है प्री डायबिटिक है वो बंदा। डायबिटिक पेशेंट पोजेसेस प्रोथ्रोम्बिक एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसीज, उनमें इन्फ्लेमेशन वगैरह के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज टेंड टू लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये टाइप 2 में बता रहे हैं कि ओबेसिटी वगैरह ये सारे जो है और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है इसके कॉज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोडक्शन, इंक्रीज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स और HDL को कम करेगा, इंक्रीज इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड। अच्छा, इंसुलिन लोअर ग्लूकोज लेवल्स, अभी हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स का बताया हुआ है कि ये जो है टाइप 2 डायबिटीज में रिकमेंड करते हैं। इंडिकेटेड फॉर टाइप 1, सम ऑफन इन टाइप 2 है, लेकिन समटाइम्स टाइप 1 में भी अब रिकमेंड करते हैं, डायरेक्ट इंसुलिन पर नहीं जा सकते। पहले अगर टाइप 1 डायबिटीज किसी को डायग्नोज हुई है तो पहले उसका डाइटरी कंट्रोल करेंगे, उसे कहेंगे एक चार्ट बना के लाए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, फिर उसके बाद फिर उसको जो है वो अगर उसकी जाहिर है वो हर वक्त तो ये नहीं कर सकता कि कुछ भी ना खाए, खाएगा तो वो सही, चाहे वो प्रोटीन इनटेक ज़्यादा ले ले या वो फैट्स वगैरह कुछ तो लेगा ना, तो उसके लिए फिर हम रिकमेंड कर देंगे कि उसको इंसुलिन इतने डोज देनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका है और सिर्फ डाइट्री कंट्रोल से उसका या एक्सरसाइज से वो कंट्रोल नहीं हो सकती, तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स कभी कभी सजेस्ट करते हैं टाइप 1 के अंदर भी अब करते हैं, जैसे ग्लूकोफेस अक्सर कहते हैं कि थोड़ी सी आधी गोली ले लें जी ग्लूकोफेस की, अगर थोड़ा सा बॉर्डर पर है या थोड़ा सा बॉर्डर से ऊपर है। टाइप 2 में तो हमेशा ही हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स यूज की जाती है। उसके अलावा जो है TPN, इन डोज ऑन TPN हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स उन पे यूज की जाती है जो टोटली जो है पैरेंटल न्यूट्रिशन पर है, जो उस ओरली नहीं ले सक रहे कोई भी चीज, तो उनको दे दी जाती है टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, इन्फ्यूजन विद डेक्सट्रोज एंड इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन का जो सोर्स है वो पार्क था, जहाँ से इंसुलिन सिंथेसाइज होती थी, या ह्यूमन की जीन ले लेते हैं
और उन जीन्स को फिर जो है वो बैक्टीरिया में ग्रो करवाते हैं, और फिर बैक्टीरिया जो है वो कई एक से कई कॉपीज उसकी बनती हैं, और फिर वो जो इंसुलिन ली हुई होती है वो भी फिर जाहिर है बैक्टीरिया के अंदर होती है, तो वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में बनती है। फिर वो जो इंसुलिन होती है सिंथेटिकली प्रिपेयर वो ह्यूमन को दी जाती है। जी मैम, ये जिस इंसुलिन पोर्क है ये तो हराम नहीं होती होगी इंसुलिन? देखो हर चीज का, देखो हम ओपॉइड्स जैसे ड्रग्स होती हैं उनके अंदर थोड़ी सी निकोटीन वगैरह, लेकिन जाहिर है हम अगर किसी अच्छे पर्पस के लिए ले रहे हैं तो इसमें, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल में सिंथेटिकली प्रिपेयर जो की जा रही है वो ह्यूमन पे ही ज्यादा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से की जा रही है, लेकिन अगर हम भी इस तरह की चीज ले रहे हैं किसी अच्छे पर्पस के लिए तो उसको, अब ये रिलीजियस उसमें आ जाता है, इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हराम चीज तो एक चीज है, इसका बीफ भी सोर्स है, तो इस पर रिसर्च करते हैं वो अक्सर लोग तो इस तरह के, फिर वो अपने अपने अकीदे की बात है। आजकल वैसे ह्यूमन सिंथेटिकली इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि ये ह्यूमन स्ट्रक्चरली केमिकली वैसी होगी जैसे इंसुलिन एंडोजीनियसली हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया, वैसे ही हमने मिलती जुलती जो है बाहर से लगाई है, तो इसलिए वो मिल्ड ह्यूमन एंडोजीनियस जो हमारे अंदर नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है उसी तरह की इंसुलिन हम सिंथेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन कहेंगे इसको। अच्छा, क्लोज मॉनिटरिंग, अब जो भी पेशेंट अगर वो डायबिटिक है तो उसको क्योंकि नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी के चांसेस होते हैं, विजुअल उसका जो होता है रेटिनल इम्पैथी हो जाती है, तो इसलिए उसकी जो है वो रेटिनोपैथी होती है, तो उसको जो है विजुअल एग्जामिनेशन उसका प्रॉपर होना चाहिए। मे हैव रेनल इनसफिशिएंसीज, इसलिए उनको कुछ ड्रग्स जो है वो उनको देखकर देनी पड़ती है। कॉशन विद द मेटफॉर्मिन इफ रेनल इम्पेयरमेंट, ग्लिटाजोन्स कैन प्री, ग्लिटाजोन्स हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है जो आगे लिखा हुआ है, ये फ्लूड रिटेंशन और हार्ट फेलियर करती है। इंसुलिन जो है वो केमिकल, जो ये वही बात है कि जो हम इंसुलिन बाहर से दे रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन, ये केमिकली जो है वो मिलती जुलती है एंडोजीनियस इंसुलिन से जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ये ह्यूमन पैंक्रियाज से नहीं ली जाती बल्कि ये उसी तरह यीस्ट या बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवा के फिर ये प्रोड्यूस की जाती है, जिसको डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। कैन नॉट बी गिवन ओरली, अच्छा, इंसुलिन डिफर इन ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, ये डिफरेंट टाइप्स बताएंगे इसकी सारी, अल्ट्रा शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन जो है रिस्प्रो इंसुलिन, इंसुलिन एस्पार्टेट वेरी शॉर्टली एक्टिंग है, मोर इफेक्टिव है इन डिक्रीजिंग पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, जब खाने के बाद ये ज्यादा इफेक्टिव है। लेस लाइकली टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, हर जो हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग या इंसुलिन दे रहे हैं वो इतनी कम ना कर दे, इसलिए जो पेशेंट रात को इंसुलिन यूज करते हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि वो कुछ खा पी कर कहते हैं सोएं थोड़ा सा ये खाना वगैरह या कुछ, और अपने मील को डिवाइड करें मुख्तलिफ उसमें, अगर ये नहीं कि एक ही दफा में काफी सारा खा लिया बल्कि थोड़ा थोड़ा मील लें, ठीक है। जो इंसुलिन के पर है उनको कहते हैं कि ये और ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर आपने इंसुलिन लेनी और खाना नहीं खाया और सो गए तो बहुत हाइपो में चले जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हैं रेगुलर लेटिन, ह्यूमिलिन, नोवोलिन मे बी गिवन सबक्यूटेनियस इंट्रावीनसली। अच्छा, जो रेगुलरली और शॉर्ट एक्टिंग होती है इंसुलिन, जो रेगुलर इंसुलिन भी जिन्हें कहते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे, इनको इंट्रावीनसली भी इमरजेंसी सिचुएशन में दे देते हैं। The only insulin there may be given intravenously, short acting जो होंगी regular insulin। ये यहाँ पर ना insulin pump दिखाया हुआ है, ये insulin pump एक patch की तरह भी होता है जो कि body के अंदर खुद ही detect करता है कि glucose sensors होते हैं कि glucose जो है उसको sense करते हैं कि अब glucose की requirement है, glucose चाहिए, तो उसकी वजह से फिर ना जो है sorry glucose sensors हैं कि glucose ज़्यादा हो गया है तो अब इंसुलिन फॉरन रिलीज होगा बॉडी के अंदर, स्किन के थ्रू वो जाएगा ब्लड में ताकि ग्लूकोज के लेवल्स को कम करे, और ये इसी तरह लगा रहता है। और ये ज्यादातर जो इंसुलिन इसमें यूज होती है, जो पंप होती है निकलती है, वो ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, ये पैच के तौर पर यूज किया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि कॉस्ट की वजह से और कुछ पेशेंट्स को थोड़ा इसका
इस पर टाइम लगता है इसका यूज टू होने के लिए. तो यहाँ पर तो हम इंसुलिन के, हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं होती पेशेंट्स के पास, वो तो इंसुलिन की सिरिंजेस नहीं बदल रहा होता, एक ही सिरिंज को कई कई दफा लगाता है और इन्फेक्शन के साथ आ जाता है. लेकिन जो ये बाहर बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, अब ये यूज करते हैं पंप्स, ये जो है फॉरन जो फॉरन उसके अंदर इंसुलिन दे देते हैं, दिन रात ये लगा रहता है. ये एक यूज भी करता है एक एक्टर, वो है फवाद खान, वो ये यूज करता है पंप, उसने एक पैच की तरह लगाया हुआ है बाजू के ऊपर, वो ये फेंकता है, रिस्ट वॉच की तरह का है उसका. तो वो इंसुलिन जो है वो डिपेंडेंट डायबिटीज है, तो इस वजह से वो इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, अगर ये लफ्ज आ जाए तो आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि टाइप वन है टाइप टू है. इंसुलिन डिपेंडेंट होंगे जब टाइप वन डायबिटीज होगी, इंसुलिन पर डिपेंडेंट इंसुलिन नहीं है. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप टू है, इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है, बस इंसुलिन काम नहीं कर रही. अच्छा, फिर ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन बताई हुई है, आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन, इनके नाम बताए हुए NPH, NPH लेटिन, ह्यूमिलिन एन, नोवोलिन एन, एक्सटेंड ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इनमें जिंक सस्पेंशन होती है, ये इनके ऑनसेट टाइम वगैरह बताया हुआ है. मिक्सचर्स भी यूज करते हैं, मिक्सचर यानी खुद वो प्रिपेयर्ड आते हैं, दो इंसुलिन यूज हो रही होते हैं, NPH 70-30, ह्यूमिलिन और नोवोलिन. अच्छा, फिर एनालॉग्स, मिसप्रो, एस्पार्ट, ये शॉर्टली एक्टिंग है. इंसुलिन ग्लर्जीन वंस डेली एट बेड टाइम, ये मुख्तलिफ डोजेस मुख्तलिफ टाइम में लगाते हैं. मस्ट नॉट बी डाइल्यूटेड और मिक्सड, पेशेंट खुद कुछ नहीं करता, जो कंपनीज हैं वो खुद करके मिक्स की भी होती हैं, अवेलेबल होती हैं, वो देती हैं. एजेंट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं क्या, एजेंट्स दैट आर गिवन ओरली टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट. फाइव टाइप्स इंसुलिन जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं वो फाइव टाइप्स हैं हमारे पास. सल्फोनाइल यूरियाज, इसकी दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन. जो फर्स्ट जनरेशन है वो अब यूज नहीं हो रही, सेकेंड जनरेशन में ही यूज होती है ड्रग्स. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इंसुलिन के रिलीज ज्यादा करवाएंगी, ऑल्सो डिक्रीज प्रोडक्शन. इनका ये तीन चार चीजें करवाती है जो सल्फोनाइल यूरियाज, एक तो इंसुलिन जब ज्यादा प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज जो होगा उसकी डिक्रीज करेगी प्रोडक्शन, इंसुलिन की ज्यादा करेगी, नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स इंक्रीज कर देगी, पेरिफेरल ग्लूकोज को जाकर यूटिलाइज करना शुरू करेगी टिश्यूज के अंदर, हेल्प करेगी. अफेक्टिव है ओनली इफ बीटा सेल्स आर फंक्शनिंग, अगर बीटा सेल्स फंक्शनिंग नहीं है तो इस ड्रग का कोई फायदा नहीं है. दूसरा, अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन ले रही है ये ड्रग तो फौरन बंद कर दिया जाता है. उसका रीजन ये होता है कि एक तो बॉडी रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट वुमेन की ज्यादा हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, उसे इंसुलिन ज्यादा चाहिए होती है, डायरेक्टली फिर वो इंसुलिन इंजेक्ट की जाती है. और दूसरा वजह ये होती है कि ये जो सल्फोनाइल यूरियाज है ये जाकर प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर जा सकती है फीटस में, तो वहां पर उसको भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, उसके ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए उसको फौरन बंद कर दी जाती है और उसको इंजेक्ट की जाती है इंसुलिन. इसका बड़ा रीजन ये कि हाइपो साइड इफेक्ट ये कि हाइपोग्लाइसीमिया करेगा, ये प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस हो जाती है, इसी वजह से इसको बंद कर देते हैं. इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स, ये हुई हो गया साइड इफेक्ट इसका हाइपोग्लाइसीमिया. सेकेंड जनरेशन के अंदर ये दी हुई है ग्लिपिजाइड दी हुई है, ग्लाइब्यूराइड दी हुई है एंड ग्लिमिपेराइड दी हुई है. कैन बी यूज विद मेटफॉर्मिन, ये दूसरी है, इन सब के साथ ए कार्बोज इंसुलिन ग्लिटाजोन इनके साथ यूज कर सकते हैं. रेनल और हेम्पेटिक इम्पेयरमेंट और प्रेगनेंसी में इसको, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं यूज करते, और अगर हेपेटिक या रेनल कोई डिसफंक्शन है तो प्रिकॉशन के साथ यूज करते हैं. अच्छा, ये एक कार्बोज इनहिबिटर्स हैं, अल्फा ग्लूकोस ग्लूकोसाइडेज इंजाइम्स, मेल्टेज, एमाइलेज, सक्रेज, इनकी जो है इनको इनहिबिट करेंगी ये, ठीक है. इनहिबिट अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम्स, इंजाइम्स जो प्रोड्यूस होते हैं अमाइलेज वगैरह जो स्लाइवा में प्रोड्यूस हो रहा है, इन सब के ऊपर इसका इफेक्ट है इस ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग का.
डिलेज एब्जॉर्प्शन, एंजाइम्स जो है वो एब्जॉर्प्शन कराते हैं, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करते हैं माइलेज वगैरह, तो ये डिले करेगा एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट की. कैन बी कम्बाइंड विद थेरेपी विद इंसुलिन और विद सल्फोनाइल यूरिया. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सिरोसिस, लिवर डिसफंक्शन, सिरोसिस, लिवर फेलियर, उनमें नहीं देंगे. मेल एब्जॉर्प्शन, सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट, उनमें नहीं देंगे. टेक एट बिगनिंग ऑफ ईच मील. कैन कॉज ब्लॉटिंग एंड डायरिया. ब्लॉटिंग जो भरा भरा हैवीनेस फील होती है. बिग्विनाइट, ये ग्लूकोफेज, ग्लूकोफेज का एक सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ये वेट रिड्यूस करती है, इसका साइड इफेक्ट है. और इसी वजह से ओरली ग्लूकोफेज जो है ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन और आजकल तो ये बहुत यूज़ हो रही है. टाइप 1 डायबिटीज़ में भी ये रिकमेंड कर दी जाती है ग्लूकोफेज थोड़ी सी ले रहे. ये है अच्छी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये कि इसे वेट रिड्यूस होता है. और इसका एक मिस यूज़ ये है कि ये जो ये होते हैं जिम वगैरह, उसमें जो लोग जाते हैं उनको इंस्ट्रक्टर से दे देते हैं ग्लूकोफेज, ये वेट रिड्यूस बहुत करवाती है. इंक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स एंड फैट्स. ये वो जिस तरह इंसुलिन प्रोडक्शन कर रही थी सल्फोनाइल यूरिया, ये जो है ये ग्लूकोफेज जो है मेटफॉर्मिन, ये जो है ये क्या ग्लूकोज की यूज को करेगी ज्यादा से ज्यादा. ये डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, मे बी यूज अलोन और इन कम्बिनेशन. ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, लेकिन ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लिवर फेलियर में, रेनल इम्पेयरमेंट अगर भी है. मस्ट चेक रेनल फंक्शन बिफोर द बिगनिंग ऑफ दिस मेडिकेशन. कॉशन विद पारेंट्रल रेडियोग्राफी कंट्रास्ट मीडियम कंटेनिंग आयोडीन. अगर कोई कंट्रास्ट मीडियम दिया किसी पेशेंट को और वो ये भी ले रहे हैं बिग्विनाइट, तो इसको देख इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि और ये ज्यादातर उनमें का ये बात कही गई जिनको रेनल फेलियर है. अगर हमने कंट्रास्ट मीडियम यूज किया उसमें आयोडीन होती है और वो भी दे रहे हैं और वो पेशेंट, फिर उसको पूछ लेना चाहिए कि आप ये यूज तो नहीं कर रहे ड्रग. अच्छा, ग्लिटाजोन, पायो ग्लिटाजोन एंड रोसी ग्लिटाजोन आर आल्सो कॉल्ड द थायजोलिडिनिडियोन्स आर इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस. ये भी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है. स्टिमुलेट रिसेप्टर्स ऑन मसल्स, फैट एंड लिवर सेल्स. इनके ऊपर रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ग्लूकोज जो है उसका अपटेक ज्यादा हो, ग्लूकोज यूज करें मसल्स, लिवर सेल्स, फैट सेल्स. पेरिफेरली जो है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज्यादा हो और ग्लूकोज जो लिवर प्रोड्यूस किया जा रहा है ब्लड के अंदर वो कम हो. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किन में, जिनमें लिवर डिजीजेज है, ALT जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए हैं, उनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. मे बी यूज एज मोनोथेरेपी और इन कम्बिनेशन विद इंसुलिन, मेटफॉर्मिन और असल्फाइल यूरिया. कॉशन इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर, इंश्योर बेसलाइन LFTs वगैरह पहले कर लें, उसके बाद ये ड्रग देनी है. मैग्लिटिनाइट, इसमें नेटिग्लिनाइट जो है एंड रेपाग्लिनाइट आर नॉन सल्फोनाइल यूरियस दैट लोअर ब्लड शुगर बाय स्टिमुलेटिंग पैंक्रियाटिक सेक्रेशन, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करवा रही है. मोनोथेरेपी और इन कम्बिनेशन देंगे विद मेटफॉर्मिन, शुड बी टेकन बिफोर और अप टू 30 मिनट्स बिफोर अ मील, मील से पहले. डोजेज एंड फ्रिक्वेंसी फ्लेक्सीबल डिपेंडिंग ऑन फूड इनटेक. ये सारा एक बताया हुआ है जो ट्रीटमेंट है इसका. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट ड्रग्स का, कौन सी ग्लूकोज का यूटिलाइज करवा रही है पेरिफेरीज में, कौन सी ड्रग्स है जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, कौन सी जो ग्लूकोज अपटेक ज्यादा कर रही है, ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए. उसके अलावा ये हर्बल ही बताया हुआ है कि बे लीव्स, बेजल लीव्स और बी जो है बेजल लीव्स, बे लीव्स, ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है. बीटल गार्ड्स वगैरह ये यूज करने चाहिए. क्रोमियम जो है वो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स. उसके अलावा बी पोलन, गिनको, ये गिनको आई डोंट नो क्या चीज है, आई विल सर्च इट आउट. इसको जरा देखिएगा क्या चीज है. ये हर्बल ही कुछ बताया हुआ है कि ये डाइट्री सप्लीमेंट्स हैं. ग्लूकोसामाइन आर
thought to increase blood sugars, bee pollen, ginkgo biloba, may potentially affect the beta cell function and insulin secretions. Un par effect hoga. Chromium may increase production of insulin receptor, increase insulin effectiveness. ये एक स्लाइड मुझे आगे पहले कर देनी चाहिए थी कि अगर कीटो एसिडोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट उसका क्या है. कीटो एसिडोसिस समझ आई थी? कीटो एसिडोसिस ये था कि जब हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो फैट्स जो है उनकी ब्रेक डाउन हो रही थी ट्राइग्लिसराइड्स की, ग्लिसरोल्स और फ्री फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है, ताकि फ्री फैटी एसिड्स आकर ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करें बॉडी को, ठीक हो गया. अब फ्री फैटी एसिड्स फर्दर ब्रेक डाउन हो रहे थे कीटोन बॉडीज के अंदर. कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन में निकल रही थी, यूरिन के अंदर पोटेशियम भी निकल रहा था और उसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि पोटेशियम जो है उसको कंपनसेट करने के लिए कीटोन बॉडीज भी निकलना शुरू हो जाती है यूरिन से. तो इसमें डिहाइड्रेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए उसको फ्लूड देते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं. और नो यूज ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एट दिस टाइम. पोटेशियम सप्लीमेंट्स भी देंगे क्योंकि पोटेशियम निकल रहा है. इंट्रावीनस इंसुलिन ड्रिप, इंसुलिन फौरन देते हैं इमरजेंसी सिचुएशन है ताकि ब्लड शुगर कम हो. जुडिशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बायकार्बोनेट, कीटोन बॉडी एसिडिक होती है तो इसलिए जो है सोडियम बायकार्बोनेट भी उनको देते हैं. अच्छा, ग्लूकोज मॉनिटरिंग हाईली रिकमेंड है. व्हेन मिक्सिंग इंसुलिन ड्रॉप द रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट, अलाउ माइल्ड hyperglycemia for the patients undergoing surgery. अच्छा, अगर सर्जरी में जा रहे हैं तो पेशेंट को माइल्ड सर्जरी है, जैसे टूथ एक्सट्रैक्टेड हो गया, कोई वैक्सीन लगवाने जा रहा है तो उसे कहते हैं नाश्ता थोड़ा सा अपना करके आए. अच्छा, और मॉर्निंग टाइम देना चाहिए पेशेंट को, और ऐसा टाइम देना चाहिए अगर टूथ एक्सट्रैक्शन है जिसमें पेशेंट बहुत सारे ना हों, आप उसको टाइम दे सके. उससे हिस्ट्री अच्छी तरह लेनी चाहिए कि कुछ खा पी कर आए कि नहीं. फॉर इलेक्टिव सर्जरीज जो है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर उसे कहा कि भाई फास्टिंग करके आए, सर्जरी होनी है मेजर, तो फिर वो उसको सुबह का टाइम देना चाहिए क्योंकि अगर वो शाम तक होगी तो वो तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा. यूज यू 100 सिरिंजेस फॉर यू 100 वायल्स. ये जो है ना, ये एक छोटी सी सिरिंजेस होती है स्पेशली, ये देखें, ये इंसुलिन के लिए यूज होती है और ये वायल है उसकी. इन पेशेंट विद इंसुलिन पंप्स यूज रेगुलर इंसुलिन और इंसुलिन एस्पार्टेट. Generally will deliver 1 unit per hour. ये देना accordingly अपने time के मुताबिक देता रहेगा. Use AC inhibitors to delay nephropathy. Limit dietary intake of proteins. Proteins भी हमें बहुत ज्यादा लें, fats तो लेने ही नहीं क्योंकि cholesterol level ज्यादा हो रहे हैं, और उसके अलावा proteins वगैरह भी नहीं लेनी. Glitazone is suspected to hepatotoxicity. Metformin cautiously with liver and renal impairment. ये सारी तकरीबन ऐसी हैं कि जिनको विद कॉशंस देना है इन पेशेंट्स के अंदर. कंसर्न दैट विद हेपेटोटॉक्सिसिटी बिकॉज रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस आर इंक्रीज. आखिरी बात वही कि जो इंजेक्शन की साइट है वो चेंज करनी है. कोई क्वेश्चन? नो मैम, खास. अच्छा, सिर्फ आपका एक वो मुझे है, जरा मैं अच्छी तरह देख रही थी. अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ड्रग्स का पता होना चाहिए, कौन कौन सी है ड्रग्स के, मैकेनिज्म कौन कौन सा है, और वो इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का पता होना चाहिए, इंसुलिन उसकी टाइप्स वगैरह. फार्माकोलॉजिकली तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ऐसा सिनेरियो या ऐसे एमसीक्यू आ जाता है कि जी एक पेशेंट थी वो पहले किसी ड्रग पर थी और फिर उसको वो उसको पता चला उसकी प्रेगनेंसी है, फौरन वो ड्रग बंद कर दी है, तो उसको इंसुलिन पर इंजेक्टेबल इंसुलिन दे दिया, तो आपको बताना चाहिए कि वो कौन सी ड्रग है, कौन सी ड्रग होगी वो. ये ठीक है,
और दूसरा इसमें वैसे नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं कि एक जो पेशेंट होता है उसकी फास्टिंग शुगर लेवल्स रिलायबल होते हैं, और दूसरा उसका HbA1c करवाया जाता है जो 3 मंथ्स के आपको शुगर बता देता है, और तीसरी बात यह है कि अगर प्रेगनेंसी है तो इसमें खास टेस्ट होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो करवाते हैं। उसमें हर थोड़ी देर बाद जो है उसको ग्लूकोज देते हैं ओरली, और फिर उसका सैंपल लेते हैं ब्लड से और चेक करते हैं कि उसमें जो है वो डायबिटिक है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, और लिस्ट में फिर जो टॉपिक्स लगता है थोड़े से जो आप लोग को नहीं समझ आए या फेस टू फेस जब आएंगे तो एक लिस्ट वो भी बना लीजिएगा ताकि डिस्कस कर लें उन टॉपिक्स को भी। ठीक है, बाकी कोई क्योरी है तो इसको जरा पढ़ लें, उसके बाद फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ओके जी, थैंक यू।